ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है अभी? राइट शोल्डर पेन, स्कैपुला इज अनस्टेबल। ठीक है, कितने टाइम से है प्रॉब्लम? 8 to 9 months। 8 to 9 months हो गए हैं। और क्या क्या ट्रीटमेंट आप करा चुके हो? नॉर्मल फिजियोथेरेपी एंड वन टाइम कपिंग सेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो एक बार आप अपने हैंड की मूवमेंट्स कंप्लीट रेंजेस करके दिखा दो, और हाँ पूरा कान तक लेके जाओ ऊपर तक। ठीक है, नीचे लेके आइए, सामने से ऊपर उठाओ, नीचे। ठीक है, उस साइड फेस कर लीजिए, हाथ पीछे लेके आना है, हैंड पीछे नहीं, ऐसे एल्बो बेंड करके, एक मिनट एक एक करके, ये हाथ नीचे रखो। ठीक है, नीचे कर लीजिए, सामने देखिए, मेरी तरफ टर्न हो जाइए। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ में आपको अभी पेन आ रहा है या नॉर्मल फीलिंग आ रही है राइट शोल्डर में? समटाइम्स जब एसी में ज़्यादा बैठा होता हूँ तो ऑन डेस्क, और जब जिम में हैवी वेट लिफ्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपका अभी स्पाइन का और शोल्डर का और स्कैपुला का एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद दोबारा से रिव्यू करते हैं। ठीक है, ये नहीं मिलता आपको, अब आप उल्टा नेटिव फेस डालो। आगे उठो, हाथ नीचे, बैठना फिर से जैसे पहले बैठे। रिलैक्स छोड़ो, डरो नहीं, कांप रहे हो, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, बस रिलैक्स, ऊपर हो जाओ, मतलब बेटर है ना फेस अप, मतलब ऊपर स्लाइड होगा स्लॉट में हीटर, बस रिलैक्स। खड़े हो जाओ, एल्बो को रेजिस्ट करो, पीछे की तरफ पुश करो और छोड़ो, क्या चेंज हो सकता है जो पहले फीलिंग रिलैक्स कर रहे थे, वो फीलिंग क्या है जो रिलैक्स है, जो वो चेंज है जो
आप पहले कहते यू चढ़ता हुआ वो ऐसे में ना जब इसने ये कराया ना थोड़ा बैठा तो वो बता पाएगी ना ज़्यादा खुद ही पहले आई थिंक यू थिंक दिस टाइम ना पहले से बेटर लग रहा है व्हाट अबाउट दिस मोमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन फीलिंग दैट यू हैड बिफोर एनी इम्प्रूवमेंट इन रेंज एंड दिस थिंग यू आर एबल टू मूव इट फ्रीली नाउ यू कैन फील दैट दैट्स इट